Hello and welcome back to the channel. This is Abhinav. In this video, we are going to talk about the problem array filling of August challenge codes here. So because the contest is running, we will not discuss the code of the problem. We will just discuss the hint and the logic behind the problem so that you can approach the problem in an easy way if you are facing difficulty. So fine. So I will suggest you to please try the problem by your own. And if you are facing any difficulty, then watch this video. So first of all, we will understand the problem statement. So there are a array of size n. तो हमारे पास एक array है n size की जिसमें अभी सिर्फ 0 0 fill करे गए हैं, ठीक है? जिसमें अभी सिर्फ 0 है. आपको क्या करना है? आप कुछ n operations दिए जाएंगे. आपको उन operations को करना होगा. हर operation में आपको एक x की value दी गई होगी और आपको एक y की value दी गई होगी. आपको क्या करना है? आपको कुछ indices, कुछ positions निकालनी है आपके array से. अगर उस पोजीशन का जो मॉड है वाई से, मान लो आपने कोई पोजीशन निकाली जे 1 से लेकर n के बीच में, और अगर उसका मॉड वाई से नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर आप वहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए. एक सिचुएशन और भी है कि जो उस पोजीशन पर पहले से कोई नंबर 0 ही दिया गया, मतलब पहले से कोई नंबर और फिल ना हो, 0 ही हो उस जगह पर, इस कंडीशन पे आप वहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे. तो आपको ऐसा करके जो मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, जो एक फाइनल एरे निकलेगी, वो आपको बताना है कि इसका जो फाइनल एरे निकलेगा उसका मैक्सिमम सम कितना होगा. ऐसी एक एरे कौसी होगी जिसमें मैक्सिमम सम मैक्सिमम पॉसिबल सम हो, ठीक है? आपको ये करना है. तो ठीक है, हम लोग अब पहले तो हम लोग उसका एक लॉजिक देखते हैं कि हम लोग इसको तो एक तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है जिसमें आपका TLE आ रहा होगा, बहुत लोगों ने किया होगा लूप चला के पूरा, बट हम लोग इसका एक सॉल्यूशन देखेंगे जिससे आप इसको और भी इजी वे में कर पाएंगे. तो बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है, सो वी विल नॉट डिस्कस द कोड, विल जस्ट डिस्कस द लॉजिक एंड द हिंट बिहाइंड द प्रॉब्लम. फाइन, सो सून यू विल सी अ वाइट बोर्ड. फाइन, सो हियर वी विल डिस्कस द हिंट बिहाइंड द प्रॉब्लम. So let's say we have some operations. Let's say we have an array of size 10. Okay, we have an array of size 10. So this is the array of size 10 where the positions are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it is an array of size 10. Fine. And initially here 0 is kept in all the elements. All the elements of the array are 0. Fine. So now what we have to do, let's say there are 5 operations given. There are 5 operations given. In this, the first, the value of x is 9. The value of y is, let's say, 2. Okay. In the second operation, the value of x is 3. And the value of y is, let's say, 4. Okay. The value of x is 5, the value of y is 3, now the value of x is 11, the value of y is 2, okay, and the value of x is let's say 8, and the value of y is 5. Fine. So we have to put these value of x in this array by using that operation. तो हम लोग बेसिकली इन पांचों operations को करेंगे एक एक करके, और हर operation के लिए कुछ particular indices निकालेंगे हमारे array से, और उस पर हम लोग x की values रखेंगे, ठीक है? तो अब एक चीज देखिए, आपको क्या करना है, आपको maximize करना है जो भी sum of elements आएगा इस array का, आपको उसे maximize करना है. तो देखिए एक चीज आप समझिए यहाँ पर, जब आप maximize करेंगे sum को, तो जितने ज्यादा 11 आए उतना ज्यादा मैक्सिमम. देखो इसका इस पूरे एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, वाई की वैल्यू में यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अब भाई 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी जो वैल्यू है 2 के आगे जो वैल्यू है करस्पॉन्डिंग वाई के लिए जो एक्स की वैल्यू होती है, वो उस पोजिशन पे आएगी जहाँ पर आपका जो जे मॉड वाई होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो सेम पोजीशन इसके भी भाई 2, अगर हम लोग y की वैल्यू 2 लेंगे तो हम लोग 1 पे फिल कर सकते हैं, हम लोग 3 पे फिल कर सकते हैं, हम लोग 5 पे फिल कर सकते हैं, हम लोग 7 पे फिल कर सकते हैं, और हम लोग 9 पे फिल कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसके पीछे हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये है 2, ये है 3, सॉरी ये है 4,
ये है 4 एंड दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10। ओके सो फाइन। सो हम लोग जो ये वाली वैल्यू 2 की, ये वाली जो 2 की वैल्यू, वो हम लोग 2 पे नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 2 mod 2 0 होता है। 4 पे नहीं कर सकते, 6 पे नहीं कर सकते, 8 पे नहीं, 10 पे नहीं कर सकते, पर इन सारी जगह पे कर सकते हैं। जो भी ऑड ऑड पोजीशंस हैं वहाँ पर हम लोग 9 9 फिल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं 9 9। और वहीं पर हम लोग 11 11 फिल कर सकते हैं, वहीं पर हम लोग 11 11 फिल कर सकते हैं। तो भाई जब 9 और 11 एक ही पोजिशन में फिल कर सकते हैं, तो हम लोग 9 क्यों फिल करें, सीधे 11 फिल करेंगे। भाई 11 बड़ा है, हमें मैक्सिमाइज करना है सबको, तो हम लोग वहाँ पर क्या फिल करेंगे, 11 फिल करेंगे। तो अब एक चीज़ देखिए कि जब भी आप इसका इनपुट ले रहे होंगे, तो आप इस तरीके से इनपुट लीजिए कि अगर सेम वाई आता है तो इसके लिए मैं आपको मैप सजेस्ट करूंगा, आप मैप का ले सकते हैं यूज़। जिस जगह पे दोबारा कोई एलिमेंट आता है तो आप वो वाली वैल्यू लेंगे जो इसकी मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके जैसे यहाँ पे 5 थे, तो मैंने 5 को सॉर्ट आउट करके ऐसे लिख दिया, मैंने 5 में से पहले तो डुप्लीकेट हटा दिया, जो डुप्लीकेट था ना वो मैंने हटा दिया। तो देखो ये जो डुप्लीकेट में आए इसको करने में, वो ये आया कि भाई 9 2 आ गया, 9 2 नहीं आएगा, 9 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 11 2 आएगा, सॉरी 11 2 आएगा, बिकॉज मैंने 11 में 11 बढ़ाया, तो 11 2 आ गया। उसके बाद 3 4 आ गया, उसके बाद 5 3 आ गया, ओके उसके बाद 8 5 आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास इतने ऑपरेशन बचे हैं, अब क्या करेंगे। हमने क्या कहा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग उसे भरने को पहले देखेंगे, क्योंकि हमें क्या है, मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम है। तो आप क्या करेंगे, ये जो इसका जो ये जो एरे है, ये मान लिया वेक्टर में आपने स्टोर किए दोनों वैल्यूज, तो वेक्टर क्या पहले एलिमेंट मतलब की वाइज आप उसको क्या करेंगे, वैल्यू वाइज आप उसको सॉल्ट कर देंगे। तो क्या होगा, अब ये ऐसा कुछ बन जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू 2 है, 11 2, ठीक है। अगला है 8, तो आएगा 8 एंड 5, ठीक है, ये आ गया। अगला है 5, तो आ गया 5 और 3, 5 और 3। अगला है 3, तो आ गया 3 एंड 4। इस तरीके आपका एक फाइनल निकल जाएगा। देखो आपने आज इनपुट लिया सारी क्वेरीज का, फिर डुप्लीकेट थी बाइक वैल्यू हटा दी, तो मैक्सिमम लिया एक्स, यहाँ पर मैक्सिमम तो वाई बाइक वैल्यू ले लिया, जहाँ बैक्स मैक्सिमम था, फिर आपने उसको सॉल्व करके लिख दिया। तो हमारे पास ये सब चीज़ जा चुकी है, ये सब जो कुछ ये सब जा चुका है हमारे पास, हमारे पास एक फाइनल आ चुकी है वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पे देखो बना के लिख दिया, ठीक है। ये सब जो कुछ बिठाए चला गया है, हमारे पास फाइनल वैल्यूज ये आ चुकी हैं, ये जो है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इन इस वैल्यू का यूज़ करेंगे अपने ऊपर। अब देखो पहला ऑपरेशन किया हम लोगों ने, पहला ऑपरेशन में क्या था, हम लोग पूरी ही एरे को कंसिडर, क्योंकि हमारे पास पूरी एरे ही खाली है, हमारे पास अभी पूरी एरे खाली है। हम लोग क्या करें, हम लोग पूरी एरे को कंसिडर करेंगे और ये देखेंगे कि जो 11 है वो वहाँ वहाँ आएगा जहाँ मॉड 2 ना हो। देखो 11 यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया, उसके बाद 11 यहाँ आ गया, उसके बाद 11 यहाँ आ गया, आफ्टर डैट हेयर, ओके। यहाँ यहाँ पे आपको 11 दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ यहाँ 2 का mod 0 नहीं है। अब आप देखिए, आपको 8 को फिल करना है, तो 8 को कहाँ कहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे 5 का mod 0 नहीं होगा। तो देखो अब आप एक चीज़ देखिए कि आप 11 पुट कर चुके हैं, तो आपका जो जगह बची वो थी 2 4 6 8 10। तो एक तो देखिए, जहाँ पर अभी आपकी पूरी लूप चल रही थी, ठीक है, अभी मान लीजिए आपकी लूप चल रही थी 1 से लेके पूरा एन तक, ठीक है। तो आप ऐसे कोई मान लीजिए फॉर लूप लिख रहे हो, तो आप क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 और आई आई इज लेस देन एन, ठीक है। मान लीजिए आपने लिख दिया आई इज लेस देन एन या लेस देन इक्वल टू एन, बिकॉज हम लोग 1 बायस्ड ले रहे हैं, और आई प्लस प्लस, आप ये कर रहे होंगे यहाँ पर। पर जब आप यहाँ पर आप देखिए, आपने 2 सेकेंड y की वैल्यू 2 के लिए आपने फिल कर दिया है, तो अब जो i आएगा वो क्या होगा, मान लेते हैं ये हम लोग ये जो वैल्यू ये हम लोग पुट कर रहे हैं एक वेरिएबल m, या हम लोग सोचते हैं k में स्टोर कर रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है, k में स्टोर कर रहे हैं। तो अब जो होगा वो i इज इक्वल टू k से शुरू होगा, ठीक है, और i इज लेस देन n है, ये i इज लेस देन m है हमेशा रहेगा, n से ज़्यादा नहीं हो सकती i की वैल्यू। और जो i है वो इंक्रीमेंट करेगा k से ही, वो इंक्रीमेंट किससे करेगा, k से इंक्रीमेंट करेगा। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला, हम लोग जब 2 की जगह जब वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास खाली कौन कौन जगह बचे, 2 बचा 4 बचा 6 बचा 8 बचा 3 बचा, हमारे सारे 2 के मल्टीपल बचे, क्योंकि 2 के मल्टीपल क्यों बचे, क्योंकि 2 के मल्टीपल में मॉड 0 हो रहा है जे का, तो फिर वो वहाँ पर कोई वैल्यू फिल नहीं हो रही थी। तो हम हमारे पास इतने देखो, अब अगर हम लोग के की जगह 2 रख के देखें और इसको अगर लूप बढ़ाएं, तो 2 फिर 2+2 4 4+2 6 ऐसे करते आएगी, तो हमारे पास वो पोजिशन आ जाएंगी जहाँ जहाँ पे जो मॉड है वो भाई 2 हम लोग फिल कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 का वाला फिल कर सकते हैं, तो
तो अब ये देखना होगा कि इनमें से जो वैल्यूज बची हैं हमारे पास उनमें से फाइव कहाँ कहाँ पे, मतलब कहाँ पे फाइव फिल नहीं फिल हुआ। देखो एट है क्या, टू मॉड फाइव जीरो होता, नहीं होता, तो हमने एट यहाँ फिल कर लिया। ठीक है, जैसे फोर है तो क्या फोर मॉड फाइव होता, नहीं होता है, फिल कर दिया। सिक्स के लिए भी नहीं, तो यहाँ फिल कर दिया एट। ठीक है, एट के लिए भी नहीं, तो यहाँ फिल कर दिया। टेन के लिए टेन मॉड फाइव जीरो होता है, तो मैं यहाँ नहीं फिल कर सकता हूँ। अब क्या होगा, अब जो अगला आएगा, अगला क्या है, अब देखेंगे अगला कहाँ कहाँ खाली है। तो उसके लिए बताए क्या क्या हो जाएगा, जो के हो जाएगा अब अगला के, देखो पहला के टू था, अगला के हो जाएगा एलसीएम ऑफ टू कॉमा फाइव। क्योंकि देखो अब वही पोजिशन बची होंगी जो, देखो जो टू से डिवाइड, जो टू मतलब जो टू के फैक्टर्स थे वो भी हो गए, वो जो टू के फैक्टर्स थे वो अभी तक तो नहीं भरे थे, पर उनको कुछ फाइव वाले ने भर दिया। पर जो वैल्यू, जो नंबर टू का फैक्टर भी फाइव का फैक्टर भी, वो नंबर बचेगा। जैसे कि टेन है, तो टेन टू का मल्टीपल भी है, फाइव का मल्टीपल भी है। ठीक है, टेन बच जाएगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे एलसीएम ऑफ टू कॉमा फाइव करके। तो अब एलसीएम ऑफ टू कॉमा फाइव हो जाएगा टेन, तो अब यहाँ हम लोग के इक्वल टेन लेंगे। ठीक है, तो अब आई इज इक्वल टू टेन से शुरू होगा, तो टेन, अब ये टेन देगा। अब देखेंगे क्या टेन मॉड थ्री जीरो है, नहीं है, टेन मॉड थ्री जीरो भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ हम लोग फाइव को फिल कर सकते हैं, और एक बार ये सारे फिल हो गए तो आपको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। अब ये आपका मैक्सिमम सम आ रहा होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब एक चीज़ देखिए, अब एक चीज़ ये है कि आप यहाँ फिल तो कर देंगे, जैसे इलेवन को आपने 5 बार फिल किया, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, एट को आपने एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार फिल किया। ठीक है, फाइव को आपने एक बार फिल किया, तो इन सब का सम कैसे निकालेंगे, ये तो पता चला कि हम लोग फिल कर रहे हैं, अब इनका सम कैसे निकालें हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो सम निकालने का एक बहुत ही अच्छा था, वो हम लोग देखते हैं हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो सम का अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको फिल करेंगे। जैसे कि मैं इसको इरेज कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड। आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो ऑन 1.5x और 1.25x, सो डैट थोड़ा स्लो भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, तो आपको लेट ना हो वीडियो देखने में। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए कि जब हम लोग यहाँ पर फाइव यहाँ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए कि जब ये पूरे एरे की लेंथ 10 थी, तो हम लोग 10 बाय 2 जगह पे, हम लोग 10 बाय 2 जगह पे नहीं फिल कर पा रहे थे, क्योंकि 10 जब एन की वैल्यू 10 है, तो 10 बाय 2 जगह पे एन टू के मल्टीपल्स आ रहे थे। तो एक यहाँ पे आ रहा है, 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 यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हर बार देख लेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ फिल कर पा रहे हैं हमारे पास जो खाली जगह है। ऐसे जब एन बाय टू था, तो एन बाय टू इज इक्वल टू फाइव था। ठीक है, तो हम लोग 10 माइनस 5, हम लोग 5 जगह नहीं फिल कर पा रहे थे, तो हम लोग सिर्फ 5 जगह 11 की वैल्यू फिल कर पा रहे थे। हम लोग सिर्फ 5 जगह 11 की वैल्यू फिल कर पाए, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 जगह फिल कर पाए हमने, उन्होंने 5 जगह फिल कर दिया। 5 इंटू क्या थी, क्या फिल करना, 11 फिल करना था, तो 5 इंटू 11 कर दिया और उसको ऐड कर दिया 55। हमें मतलब अभी अभी में पता लगे हमारा सम 55 हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग अगले के लिए आए, तो अगले के लिए जब आए तो एक चीज़ देखो, अगला हम लोग फिल कर रहे हैं 5, जहाँ पे 5 का मॉड 0 नहीं है, और क्या फिल कर रहे हैं, 8 फिल कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो पोजीशन बची है वो कितनी बची है, वो एक दो, वो हमारे पास एक बची, दो बची, तीन बची, चार बची, पाँच बची। तो हमको पता है कि हमारे पाँच पोजीशन बची हैं, हम लोग चेक करेंगे पाँच पोजीशन में 5 का मल्टीपल कितनी बार आएगा। तो हमने डिवाइड किया, तो देखा कि 5 पोजीशन में 5 का मल्टीपल 1 बार आ रहा है, मतलब एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर आप फिल नहीं कर पाएंगे फाइव, जो 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो ये जगह होगी। तो आप कितनी जगह फिल कर पाएंगे, आप फिल कर पाएंगे 5 माइनस 1 जगह, आप 5 माइनस 1 जगह फिल कर पाएंगे, जो कि होगा 4। और कितनी वाली फिल करनी है, 8 8 फिल करना है। देखो तो आपने कितना फिल कर दिया यहाँ पे, आपने फिल कर दिया 8 इंटू 4, जो कि हो गया 32। तो अब यहाँ पे आप 32 फिल कर रहे हैं। ठीक है, 8 4 32। अब आपने देखा, अब देखो एलसीएम के, अब के की वैल्यू हो गई थी 10, तो अब 10 10 का मतलब 10 10 के ऑर्डर का रूट चलेगा। तो अब आ गए यहाँ पे 10, और अब ये देखिए कि आपने यहाँ पे 5 वैल्यू 11 पुट कर दिया है और 4 वैल्यू 8 की पुट कर दिया, तो आपके पास सिर्फ एक इंडेक्स बची है, ये वाली बची है। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक इंडेक्स बची है, ये वाली। तो अब एक इंडेक्स है, आपको फिल क्या करना है, आपको फिल करना है 3 के। तो क्या देखेंगे कि एक इंडेक्स में कहीं 3 का मल्टीपल आ रहा होगा, कहीं नहीं आ रहा होगा, 1/3 0 होता है भाई, सीधा सीधा वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आपने कहा अच्छा ये भी नहीं आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके 3, अब ये 1/3 0 आ रहा था, तो इससे पता लगेगा कि हमारे पास जितने भी हैं वो सारे में फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने थे, 1 थे, तो 1 माइनस 0 हो गया 1।
तो आप एक जगह पे क्या फिल कर सकते हैं, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं 5, तो 1 × 5 मतलब 5 जो है 1 एक बार आया है इस तरीके से, यहाँ से आपका 5 आ गया, तो जो टोटल सम हो जाएगा 5 + 55 = 60 और 60 + 30 = 92, तो इस वाले हमारे जो हमने टेस्ट केस लिया था उसका वैल्यू आ गया 92। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ प्रिंट किया, अब कोई मान लेते हैं कि एक और टेस्ट केस लेते हैं, एक और कोई कंडीशन बची है हमारे पास, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर 4 पहले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाली जो इंडेक्स थी, ये वाली जो इंडेक्स थी, ये वाली और ये इंटरसेस करते, ये मान लेते हैं 4 होती, ये मान लेते हैं 4 होती, ये मान लेते हैं 2 होती। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, जब हम लोग 4 की जगह फिल करते तो यहाँ पे भी 11 आ गया होता और यहाँ पे 11 आ गया होता, यहाँ पे भी आ गया होता, इन सारी जगह पे 11 आ चुका होता अगर हम लोग 4 के करस्पॉन्डिंग लेते तो, क्योंकि भाई 4 के मल्टीपल एक 4 हो गए, 2 आगे से 11 आ ही गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता कि जब बाद में अगर 2 आता भी, मान लो इस यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, हम लोग 4 वाली जगह फिल कर चुके हैं, तो 2 के लिए तो जगह ही नहीं बची ना, जो जगह बची है वो 2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 4 mod 2 भी 0 होता है, 8 mod 2 भी 0 होता है, तो हम लोग पहले ही 4 ले चुके हैं, हम लोग अगर पहले 4 ले चुके हैं तो बाद में 2 नहीं आ सकता है। अगर कोई ऐसा वैल्यू आ रही है, अगर बाद में कोई ऐसी बी की वैल्यू आती है, क्योंकि हम लोग इसको ए, या ऐसी कोई वाई की वैल्यू आती है, क्योंकि हम लोग इसको एक्स और इसको वाई मान रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी वाई की वैल्यू आती है जिसका जो मॉड है के से, या फिर हम लोग बात करें के का मॉड, अगर सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, कि अगर के का मॉड वाई से 0 आ रहा है तो फिर हम लोग उस वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर के मॉड y 0 अगर आ रहा है तो हम लोग उस वाली y की वैल्यू कंसिडर करेंगे, आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। जैसे कि ये 4 था, तो भाई जब 4 हम लोगों ने प्रिंट किया तो 4 सिर्फ एक इस इंडेक्स पे नहीं बढ़ पाया, हम लोग उसके पहले इस इंडेक्स पे नहीं बढ़ पाए, अगर बाद में 2 को लेके आते हैं तो 2 भी तो एग्जैक्ट सेम चीज़ है, यहाँ भी नहीं बढ़ पाया, यहाँ भी नहीं बढ़ पाया, तो उसको लाना फालतू ही है, क्योंकि 4 mod 2 0 होता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं ले पाएंगे। हो गया, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी इसका लॉजिक था, जो हिंट था इसके बिहाइंड। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे आके जो भी डाउट हो पूछ लें, या भी आप कॉल करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप यू लाइक इट, सो लाइक कर दें वीडियो को अगर पसंद आया, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको कोर्स से कोड फोर से लीड कोड गीक्स फॉर गीक्स हैकर अर्थ हैकर रैंक सबके सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।